नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये आपको सेक्शन टू में डिफाइंड है, बट सिर्फ सेक्शन टू के सारे नहीं, हम काफी सारे सेक्शंस पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग। लेट अस गेट स्टार्टेड। तो हम इस वीडियो में हम सेक्शन टू सी पढ़ेंगे। दैट इज टू सी डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस को, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है 2L। उसके बाद हम सेक्शन 156(1) पढ़ेंगे, 156(1) पढ़ेंगे, 157 पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सारे प्रोविजंस को पढ़ के हम एनालाइज करेंगे कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होता क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, रीजंस क्या है डिफरेंस होने का। तो आप सबसे पहले देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस क्या होते हैं। आप सीआरपीसी के अंदर कई तरह की क्लासिफिकेशन है, बेलेबल नॉन बेलेबल, बट व्हेन इट कम्स टू सीरियसनेस ऑफ एन ऑफेंस और अरेस्ट के प्रोसीजर को रिलेटेड तो दो मेजर क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक होती है कॉग्निजेबल केसेस, कॉग्निजेबल केसेस एज वेल एज ऑफेंसेस। दूसरा हो गया आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब कॉग्निजेबल डिफाइंड है 2C में, नॉन कॉग्निजेबल है 2L में। ये काफी कंफ्यूज होते हैं इसमें लोग, तो आज हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसका रीजन क्या है, रैशनल क्या है इनके पीछे, तो ताकि कंफ्यूजन रहे नहीं। तो आप ये सेक्शन बाय हार्ट याद कर लो, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ देते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहाँ डिफाइंड है, नॉन कॉग्निजेबल कहाँ डिफाइंड है। तो ये आपको दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। और आप समझो विथ रिस्पेक्ट टू अरेस्ट, हमने देखा अरेस्ट के दो प्रोसीजर होते हैं, एक होता है विथ वारंट, एक होता है विदाउट वारंट। जहां पे भी आप एज अ जनरल रूल देखो, जहां पे भी पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, जहां भी विदाउट वारंट है वो आपको सीधे कॉग्निजेबल केसेस में आएगा, दैट इज 2C, विदाउट वारंट कॉग्निजेबल केसेस। और जहां पे पुलिस ऑफिसर को वारंट लेकर अरेस्ट करनी है वो आएगा नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, दैट इज अरेस्ट विथ वारंट। ये एक हमने याद किया, दैट इज अगर विथ वारंट है और विदाउट वारंट है, विदाउट वारंट है। अगर विथ वारंट हुआ दैट इज अरेस्ट विथ वारंट, तो दैट विल बी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और अरेस्ट विथ वारंट हुआ, सॉरी अरेस्ट विदाउट वारंट हुआ, देन वी हैव कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये दो क्लासिफिकेशन को हमें बाय हार्ट याद करना है। अच्छा चलिए, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये एक बार में इकट्ठे याद हो जाएगा और फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। जैसे मैं हमेशा कहते रहता हूँ, जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं याद करने के, सेक्शंस प्रोविजंस जहां भी कंफ्यूजन आता है वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगा, ऑल्दो स्टूपिड हो सकता है बट आपको याद होना चाहिए। तो हमारे प्रोफेसर क्या कहते थे कि वेन एवर इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जहां भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का नाम आएगा आप वाओ बोलोगे। हमने पूछा वाओ क्यों कहेंगे, तो वो कहते थे आप जहां भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का नाम आएगा आप बस वाओ बोलोगे। उनका कहना होता था तो वाओ क्यों कहेंगे, क्योंकि अरेस्ट विदाउट वारंट। किस लिए वाओ कहेंगे, विदाउट वारंट। और अब जब कॉग्निजेबल विदाउट वारंट हो गया, नॉन कॉग्निजेबल क्या होगा फिर, ठीक इसका उल्टा, दैट इज विथ वारंट। तो होप ये छोटा सा ट्रिक आपके हेल्प करेगा। अगेन सेक्शंस की बात करें, 2C एंड 2L। ओके, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से। कॉग्निजेबल ऑफेंस आएगा आप क्या बोलोगे, वाह। 2C डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को, ये मीन करता है एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स। तो आप देखो दो चीजें होती हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और कॉग्निजेबल केसेस।
इनमें होता है कि एक पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। जहां भी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की बात आएगी, आप सीधे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी को रेफर करोगे, क्योंकि वही लिस्ट दी गई है कि आईपीसी के अंदर कौन कौन सी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होती है। अब आप देखो, सिर्फ आईपीसी के अंदर नहीं, आप ये समझो कि जितने भी प्यूनिटिव स्टैट्यूट हैं, आईपीसी हो गया, एनडीपीएस हो गया, आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, जो जहां भी पनिशमेंट है ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वहां पे अलग से ये दिया गया है कि कॉग्निजेबल केस होगा या नहीं होगा, उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट में दिया रहता है। सो डेफिनेशन के हिसाब से 2C हमने पढ़ा है, ये होता है। अब आते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, चलो हम समझ गए कि पुलिस ऑफिसर वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि पुलिस ऑफिसर को जज के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के पास या फिर जो भी रिस्पेक्टिव कोर्ट है उनके पास जाके पहले वारंट नहीं लेना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा अभी तक, अरेस्ट विथ वारंट और विदाउट वारंट। मैं पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जाके वो वीडियो एक बार चेक कर लो, फिर से रिव्यू ओवरव्यू कर लो ऑन अरेस्ट विथ वारंट एंड विदाउट वारंट, तो उससे सारे कंसेप्ट्स फिर से क्लियर हो जाएंगे आपके साथ। तो आइए इसको फिर से आगे समझते हैं। अरेस्ट विदाउट वारंट कि पुलिस ऑफिसर ने देखा कि एक ऐसा केस है जो थोड़ा सीरियस है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हम कहते हैं थोड़ा ऑफेंस विच इज सीरियस इन नेचर। एक जनरल रूल बना दिया हम लोगों ने कि 3 ईयर प्लस जिसकी भी पनिशमेंट होगी उसको हम लोग कॉग्निजेबल कह देंगे। ऐसा एक जनरल रूल बनाया है हम लोगों ने, आप समझो। बट इसके एक्सेप्शंस भी है, वो एक्सेप्शंस भी हम पढ़ेंगे और रीजन भी पढ़ेंगे। तो अब सीरियस ऑफेंस 3 ईयर प्लस जिसकी पनिशमेंट है वो कॉग्निजेबल रहेगी। इसका मतलब कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर देखता है कि ऐसी ऑफेंसेस कहीं कमिट हो रही हैं या होने लेटर से हो रही हैं जिनकी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा है, तो पुलिस ऑफिसर के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो जाके ऐसे ऑफेंडर को पकड़े, दैट इज अरेस्ट करें, और इसके लिए उसको वारंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखो, एक सिचुएशन सोचो, अगर वारंट लेने ये पुलिस ऑफिसर पहले कोर्ट के पास जाता है फिर आता है, इसमें कितना टाइम लैप्स लगेगा। तो अरेस्ट का सारा स्पिरिट ही लूज हो गया ना यहाँ पर, वो ऑफेंडर था वो तो भाग जाएगा। तो इसीलिए कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अच्छा, अब हमने तो कह दिया कि चलो अरेस्ट विदाउट वारंट होता है तो पुलिस ऑफिसर जाके अरेस्ट कर सकता है। तो पुलिस ऑफिसर की पावर क्या होती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए? क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में देखो दो दो चीजें हमें ध्यान देनी है कि एक अरेस्ट विदाउट वारंट होता है, सबसे पहले अरेस्ट विदाउट वारंट, एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस, वो भी विदाउट एनी ऑर्डर और डायरेक्शन फ्रॉम मजिस्ट्रेट होगा। विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। जहां भी कॉग्निजेबल केसेस हैं, ऑलराइट, तो अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट से, तो पुलिस ऑफिसर की क्या पावर होती है, क्या प्रोसीजर होता है? तो 156(1) डिफाइन करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। पुलिस ऑफिसर की पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है, तो अब इसमें ये कहता है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो है वो विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी कॉग्निजेबल केसेस को। तो ये जो मैंने बात कही आपको, ये 156(1) सीआरपीसी के अंदर सेड है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज वो विदाउट एनी ऑर्डर, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है, चलो हमने मान लिया सीआरपीसी 156(1) ने कह दिया कि बिना परमिशन आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, बट प्रोसीजर क्या होगा उस इन्वेस्टिगेशन का?
तो ये आपको 157 सीआरपीसी में सेड है कि प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस व्हिच ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट अंडर 156(1). ये जो प्रोसीजर होगी 156(1) के अंदर जो हमने देखा वो 157 में लेट डाउन है। क्या है प्रोसीजर? ये है कि ऑफ सबसे पहला आपको समझो ऑफिसर इंचार्ज है वो एक रिपोर्ट भेजेंगे मैजिस्ट्रेट को, ऑल्दो उनसे परमिशन नहीं लेना है बट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन वो रिपोर्ट भेजेंगे मैजिस्ट्रेट को अबाउट द ऑफेंस कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये ऑफेंस हुआ है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और या तो खुद पर्सनली प्रोसीड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी डिप्यूट अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करेंगे कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन करो। तो या तो इधर हिमसेल्फ या किसी सबऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहेंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ऑन स्पॉट में जाएंगे, स्पॉट ऑफ क्राइम जहां हुआ है वहां जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर नेसेसरी हुआ तो डिस्कवरी एंड अरेस्ट जो भी प्रोविजन होगा वो फुलफिल करेंगे। तो अब इसमें कुछ प्रोविजंस हैं कि कई बार ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आपके वो इन्वेस्टिगेट ना करने का फैसला लेते हैं, कहते हैं कि नहीं, कई सारी सिचुएशन होती है जहां इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसी सिचुएशंस होती हैं आप समझो, उसमें सबसे पहला हो गया जहां कमीशन ऑफ ऑफेंस इज अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम, राइट। तो मैं आपको सीआरपीसी के बैराट में ले चलता हूं ताकि अच्छे से इसको समझ सके, ठीक है। तो ये 157 है, यहां इसके प्रोविजंस थे जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज जब एक इंफॉर्मेशन मिलती है टू पुलिस ऑफिसर अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और वो ऑफेंस ऐसा है कि विच इज सबसे पहला नॉट सीरियस इन नेचर और दूसरा ऑफेंस मिली है अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम। तो मैं अगर किसी की कंप्लेन लेटर से ऐसी ऑफेंस है जो किसी के नेम के अगेंस्ट है और सीरियस नहीं है नेचर में, इन सिचुएशन में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन वो प्रोसीड नहीं करेंगे फॉर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, और इस सिचुएशन में फिर अगेन मान लो जब प्रोसीड नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक प्रोविजन है कि आपको इन ईच केसेस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड बी, यहाँ के सारे केसेस में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन वो एक रिपोर्ट बनाएंगे एंड उसमें अपने रीजंस लिखेंगे कि वो क्यों नहीं गए इन्वेस्टिगेशंस के लिए, किस लिए वो क्राइम सीरियस नहीं थी नेचर में और नेम्ड थी किसी पर्सन के अगेंस्ट, क्या रीजन रहा। सेकंड प्रोविजो है कि सिंपली केस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, यहां में हमने देखा कि केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर प्लस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम, बट इसमें अगर ये पुलिस ऑफिसर हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको ये अगर अपेयर होता है कि कोई सफिशियंट ग्राउंड नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में एंटर किया जाए तो वो अगेन उसके लिए एक रिपोर्ट बनाएंगे, और स्पेशली यहाँ देखो यहाँ ये लिखा है आपका कि ऐसे में पुलिस ऑफिसर नोटिफाई करेंगे इन्फॉर्मेंट को, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसको नोटिफाई करेंगे कि ये रीजंस हैं इसके कारण इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, क्या नोटिफाई करेंगे कि क्या रीजंस हैं कि केस इज नॉट ऑफ सो सीरियस नेचर कि नो सफिशियंट ग्राउंड है। तो ये था सेक्शन 157। ओके, अब जनरल रूल के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको 3+ years वाली एक बात बताई थी, तो जैसे अभी तक हमने देखा कि कॉग्निजेबल केसेस के लिए स्टेट एंड पुलिस है ये ऑफेंडर को जस्टिस के लिए लाती हैं, कैसे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेजते हैं। तो अब हमने ये कि एक जनरल रूल है कि जितने भी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, सीरियसनेस ऑफेंसेस मतलब पनिशमेंट के ऊपर, जहां भी 3+ years की पनिशमेंट है वो कॉग्निजेबल होंगी एज अ जनरल रूल। बट इसमें थोड़ी
एक्सेप्शंस हैं, इसके एक्सेप्शंस हैं और इसके रीजंस भी हम समझते हैं कि क्यों ये एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले आप देख लो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज 493 से लेके 497 ऑफ आईपीसी, ये जब आप पढ़ोगे तो दैट इज बाइगमी हो गया फॉर एग्जांपल, उसकी पनिशमेंट मोर देन 5 years है, बट वो फिर भी कॉग्निजिबल नहीं, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये आप समझो बाइगमी मोर ऑफ अ प्राइवेट रॉन्ग है रादर देन क्रिमिनल रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी बाइगमी। इसमें लेट अस से पुलिस ऑफिसर को अगर हथियार दे दिया गया कि बाइगमी के केसेस में वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, तो कितना मिसयूज हो सकता है इस प्रोविजन का। अगर पुलिस ऑफिसर के पास है कि बिना सिर्फ एक कंप्लेंट पे अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, तो आप समझो इसमें कोई भी एक कोई भी कपल हो गया मैरिज में, वो इसका मिसयूज कर सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ को अंदर पहुंचाने में, ये बाइगमी हो गया आपका। वैसे ही अगर और भी एक्सेप्शन है, चैप्टर 11 फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, सबके वीडियोस हमने अपने आईपीसी की प्लेलिस्ट पर बना रखे हैं, आप जाके चेक करो, ये वीडियोस अवेलेबल हैं आईपीसी के, चैप्टर 11 बाइगमी के भी अवेलेबल हैं आईपीसी पे, चैप्टर 11 आईपीसी ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। इसमें भी पनिशमेंट ऑफेंसेस की 3+ years से है, बट फिर भी इसको नॉन कॉग्निजेबल बनाया गया। इसमें है आप समझो चैप्टर 11 का मेन होता है कि पहले अंटे अनलेस कोर्ट आपको परमिशन ना दे तब तक आप चैप्टर 11 के अंदर प्रोसीड नहीं कर सकते, तो पहले कोर्ट परमिशन देती है, पार्टीज टू केस आपको नहीं खुद से ले जा सकते हैं, सबसे पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, फिर ही केस रजिस्टर होता है चैप्टर 11 के अंदर। 195 सीआरपीसी के अंदर जो हमने अभी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो आप देखो इसमें क्या रीजन है, इसका है कि अगर मान लो पुलिस को दे दिया गया एक हथियार कि ये एम्पावर कर दिया गया उनको, आप चैप्टर 11 के अंदर भी कंडक्ट करो, अरेस्ट कर सकते विदाउट वारंट के, तो इसमें क्या एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ये क्लैश करेंगे, बट जैसे हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ जनरल रूल्स एंड एक्सेप्शंस रिगार्डिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। चलिए अब नेक्स्ट अप हम आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे। मैंने आपको एक जो छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि जहां भी कॉग्निजेबल आएगा हम क्या कहेंगे, कॉग्निजेबल में कहेंगे वाओ क्यों, व्हाट इज अरेस्ट विदाउट वारंट, तो नॉन कॉग्निजेबल में क्या कहेंगे, नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट विथ वारंट। 2L है ये डिफाइन करता है आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, ये कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अरेस्ट करे विदाउट वारंट, कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है, उनको वारंट चाहिए विथ वारंट। वारंट ऑफ अरेस्ट कहां 72-81 हमने पढ़ा है, वीडियोस अवेलेबल हैं आप जाके चेक कर सकते हो। इसके साथ आप देखो मोर ऑफ अ प्राइवेट रॉन्ग होती है, जैसे बाइगमी की मैंने बात की, ये क्या बिटवीन टू पर्सन, लेट अस से वी हैव टू पर्सन हियर, इनके बीच का मैटर है। इसमें अगर पुलिस ऑफिसर को हमने एम्पावर कर दिया कि ये आके अरेस्ट करें, तो लेट अस से दिस पर्सन ये इसका मिसयूज करके पुलिस ऑफिसर को जाके एक कंप्लेंट दे सकता है, एक एफआईआर लिखा सकता है कि ऐसी ऐसी बात है, देयर इज अ रॉन्ग हियर, क्रिमिनल रॉन्ग हुआ है और पुलिस ऑफिसर आके इनको अरेस्ट कर सकते हैं, बट ये इनजस्टिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लेट अस से इन दोनों की बात थी और ऐसी बात है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है, फॉर एग्जांपल असॉल्ट, हर्ट, डेफेमेशन, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज एक्सेप्ट 498A। तो इसमें जनरल रूल क्या है, नॉट सो सीरियस ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं, पनिशमेंट लेस देन 3 years है, उसमें हमने क्या देखा था 3 years और मोर देन 3 years, बट इसमें लेस देन थ्री इयर्स,
अच्छा, अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये लेस देन थ्री इयर्स रूल्स की भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे चैप्टर, आपको चैप्टर 8 आईपीसी का, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये सारे ऑफेंसेस पनिशेबल है विथ लेस देन थ्री इयर्स ऑल्दो कॉग्निजेबल है। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशंस, ये यहाँ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को जो डिस्टरबेंस होती है, हमारी वीडियोस हैं उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है ये रीजंस, बट मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ऐसे में चांसेस इतने हाई हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए अरेस्ट करना पड़ सकता है। तो ऑल द ऑफेंसेस लेस देन थ्री इयर्स है, फिर भी पावर ऑफ अरेस्ट है विदाउट वारंट। तो ये था रीजंस, एंड विद दिस वी कंक्लूड आवर वीडियो ऑन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। होप ये वीडियो आपके हेल्प में आया हो, होप ये वाव का फॉर्मूला भी आपको अच्छा लगा हो। सो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो गो देयर एंड सब्सक्राइब सीखो चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन get notification of all the new videos that we are uploading. हम काफी सारे नए videos on a day-to-day basis upload कर रहे हैं on all the subjects of law mostly. And इसके साथ साथ career choice making videos, that is how to make a good career choice with respect to your legal profession. आपको ये सारी videos available है judicial services के लिए, IAS officers and जो civil servants, civil services की preparations कर रहे हैं UPSC exams की, उनको law optional लेना है, तो क्या आपको बढ़िया better रहेगा, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इनकी videos, experts की videos, different fields में different experts हैं, उनकी videos हैं available YouTube में हमारे channel पर, so you can go and check out our videos there. So see you next time.